सो अब हम इसको टेस्ट करेंगे पावर मोड में. वाओ यार वाओ. ऑलराइट, ये जो मेरे पीछे स्कूटर दिख रही है बड़ी कमाल की, इसके कारनामे बड़े कमाल है, उसके बारे में बताऊंगा. लेकिन चलिए शुरू करते हैं. हेलो हाय नमस्ते सलाम जय गी बंदे का नाम. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट जैगी. कैसे आप सब लोग? सब बढ़िया मेरी माने तो सब सही है ब्रो. जी हाँ, आज मेरे पीछे है बाउंस इन्फिनिटी द इलेक्ट्रिक स्कूटर और मैं आया हूँ गुरुदर्शन मोटर्स में, जहाँ पे आके इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का आप वॉक अराउंड कर सकते हैं, राइड रिव्यू कर सकते हैं और इसी के साथ साथ ये परचेज भी कर सकते हैं. मतलब आप इलेक्ट्रिक का जमाना आ चुका है. तो चलिए चलते हैं, लेट्स रोल ऑन. Alright, so this is the all new Bounce Infinity. मतलब देखो यार कितनी खूबसूरत ये इलेक्ट्रिक स्कूटर लग रही है. अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में जाना चाहते हैं तो आप इसके साथ जा सकते हैं. तो सबसे पहले टायर सेक्शन की बात करें तो 12 इंच के यहाँ पे आपको टायर मिल जाएंगे. डुअल डिस्क ब्रेक के साथ आपको ये बाइक मिल जाएगी और देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स भी हैं जो कि अगर आप नाइट में ड्राइव करते हैं तो आपको ये काम में आ सकते हैं. और डिस्क ब्रेक के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत ही बढ़िया लगती है. देखो मतलब टायर साइज भी बहुत बढ़िया है. अगर आप मैं पीछे से दिखाऊँ तो यहाँ से भी आपको बहुत ही बढ़िया नज़र आएगा और यहाँ पे भी आपको एक डिस्क ब्रेक मिल जाएगा. 5 कलर वेरिएंट में आती है, जैसे आप मेरे सामने देख रहे हैं, रेड है, ब्लैक है, वाइट है, ग्रे है और सिल्वर है. ऐसे 5 कलर्स में आपको ये मिल जाएगी. तो चलिए अब इसको देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे आपको क्या कुछ नज़र आता है. तो सबसे पहले आप यहाँ से ये ऑन करेंगे, स्विच ऑन हो गया और ये एक किया तो यहाँ पे आ गया इंस्ट्रूमेंट कंसोल. तो देखिए ये है बैटरी लाइफ. तो अभी इसमें ज़्यादा चार्ज नहीं है, ये जा सकती है 35 किलोमीटर तक. और यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा, आप कितने किलोमीटर पर आवर से आप चला रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, रेंज कितनी है, ये सब आपको मिल जाएगा. सो इस बाइक में आपको 5 मोड्स आपको मिल जाएंगे, इको मोड, पावर मोड, रिवर्स मोड, ड्रैग मोड और क्रूज़, जो कि हम कार्स में स्पेशली यूज़ करते हैं. तो अगर आप पावर मोड में इस बाइक को डालते हैं तो यहाँ पे देखिए पावर मोड लिख के आ गया. तो पावर मोड में अगर आप इसको डालते हैं तो ये मैक्सिमम 55-60 किलोमीटर जा सकते हैं. इको मोड में अगर डालते हैं, ये देखिए इको लिख के आ गया, इको मोड में अगर आप डालते हैं तो इसको आप लेके जा सकते हैं मैक्सिमम 70-75 किलोमीटर. आता है ड्रैग मोड. ड्रैग मोड काम में आता है जब बाइक अगर पंचर हो जाए और अगर आपको खींचना ना पड़े तो उसके लिए ड्रैग मोड काम में आता है. और इसी के साथ साथ क्रूज़ मोड भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. तो आप एक सेटल स्पीड आप तैयार कर लें और उसके बाद उसी स्पीड पर आप क्रूज़ करें. सो इससे आपका गाड़ी का एवरेज भी बढ़ जाएगा और इसकी यूटिलिटी भी बढ़ जाएगी. साथ ही साथ एक मुझे अच्छा फीचर यहाँ पे देखने को मिला, जैसे ये है टच. आप टच कीजिए, बस ये ओपन हो गया. पर काफ़ी कूल फीचर है, फ्यूचरिस्टिक फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा. तो बहुत ही बेहतरीन सी शानदार सी ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है यार, मज़ा आ गया. ज़्यादा मतलब आपको तामझाम देखने को नहीं मिलेगा, मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है यहाँ पे. एलईडी यहाँ पे आपको हेडलाइट देखने को मिलेगी, एलईडी इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एलईडी हेडलाइट्स, प्रोजेक्टर है. बहुत ही खूबसूरत लगता है यार. अच्छा मतलब लगता है यार, मतलब फ्यूचरिस्टिक ये स्कूटर फील होती है. बहुत ही बढ़िया यार, अच्छी लग रही है. मतलब अगर आप इस पर बैठते हैं जैसा मैं बैठा हूँ इस पर, सो अच्छी फील ये दे रहा है, नाइस कंफर्टेबल. सीट की बात करें तो सीट थोड़े से स्टिफ है, लेकिन हाँ मैं सोचता हूँ इस बाइक को देख के मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था, सिटी में चलाने के लिए है बाइक, सो सीट भी उसी तरह से है, थोड़ी सी हार्ड थोड़ी सी सॉफ्ट. तो यहाँ पे एक आपको कैरियर भी मिल जाएगा, अगर कुछ सामान वगैरह लाते हैं, सब्जी वगैरह लाते हैं तो यहाँ पे आप अटका सकते हैं. मुझे बचपन की याद आ गई जब पापा स्कूटर चलाते थे, यहाँ पे सब्जी लटकाते थे. खैर अभी इसका हम बूट स्पेस देखते हैं, कितनी बूट स्पेस है, क्या है, सब दिखाता हूँ. सो ये देखिए, तो यहाँ पे एक हेलमेट तो आप डाल ही सकते हैं और इसी के साथ साथ ये है 48 वॉट की बैटरी जो आप इजीली रिमूव कर सकते हैं और फिर इसको घर पे चार्ज कर सकते हैं. चार्ज करने में इसको लगभग 4 घंटे लगते हैं और उसके बाद आप बढ़िया से अपनी बाइक लेके जाइए, सिटी में घूमिए, बढ़िया एंजॉय कीजिए. और एक फ़ीचर की मैं बात करूँ तो ये स्कूटर में और जो बैटरी हमने दिखाई उसमें GPS लगा हुआ है, ताकि आप कहीं पर भी गाड़ी अगर आप किसी को भी देते हैं, वो कहाँ जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, आपको वो सब आप ट्रैक कर सकते हैं. इसका ऐप है, उस पर आप पूरी बाइक को ट्रैक कर सकते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा फ्यूचरिस्टिक फीचर इस बाइक में दिया है. तो आइए अब इसका राइड रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि मोड में ये कैसे काम करती है ना. तो चलिए लेट्स गो टू राइड रिव्यू. ऑलराइट, सो दिस इज द की ऑफ बाउंस इन्फिनिटी. तो यहाँ पे आपको इजेक्ट करना है की को, ये थोड़ा सा ऑन हो जाएगा, इसके बाद कुछ नहीं करना है. देखो ये डायरेक्टली ऑन नहीं होगा क्योंकि ये एक सेफ्टी फीचर है. बच्चे क्या करते हैं, स्कूटर पर बैठते हैं, एस्केलेटर देते हैं, उसके वजह से गाड़ी आगे जा सकती है, कुछ भी हादसा हो सकता है. तो उसके लिए डायरेक्ट ऑन नहीं होगा. आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये ब्रेक दबाना है और ये पावर बटन जो है वो 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है और ऐसे करोगे तो ये ऑन हो जाएगा.
है ना, इग्निशन इसका ऑन हो गया है, अभी ये गाड़ी हो चुकी है तैयार चलने को। तो सबसे पहले हम इसको चलाएंगे इको मोड में। तो आप इको मोड में जैसे ही डालते हैं यहाँ पे इको लिखा आ जाता है। तो चलिए अब चलते हैं, अपना पहला राइड करते हैं बाउंस इन्फिनिटी पे। सो या इको मोड कूल है। अच्छा, इसके एक दो फीचर्स भी मैं आपको राइड करते करते मैं समझाऊंगा। सो वो बहुत ज़रूरी है आपको समझना अगर आप कभी भी ये बाइक टेस्ट राइड करने जाते हैं नागपुर में, ठीक है। स्कूटर राइड करते हैं और आपका हाथ इस ब्रेक पर है, मतलब जनरली कॉमनली ऐसा होता है कि हम लोग जब भी बाइक चलाते हैं या स्कूटर चलाते हैं हम लोग हाथ ऐसा ब्रेक पर रखते हैं, मतलब ये नेचुरल प्रोसेस है, हमारा हाथ ऐसे चले जाता है। लेकिन अगर आप ऐसा रखोगे तो गाड़ी आगे नहीं जाएगी, इसका जो पिकअप है वो कट हो जाएगा। सो आपको ये नहीं करना है। मतलब इसके पहले जब मैं राइड रिव्यू ले रहा था तो मुझे लग रहा था यार बाइक में कोई प्रॉब्लम है, बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा हाथ बस यहाँ पे था जिसके वजह से ये चल नहीं रही थी। सो ये है इको मोड में। इको मोड में अभी इसका रेंज है 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर तक मैं चला सकता हूँ। जैसे मैंने आपको सीट के बारे में बताया कि सीट थोड़ा सा स्टिफ है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि 80 किलोमीटर मैं इस सीट के साथ कंटिन्यू राइड कर पाऊँगा। थोड़ी सी हार्ड सीट है लेकिन चलता है। तो ये देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, हल्का सा एस्केलेटर देना है और ये हमारी बाइक चल पड़ी। कूल है ना, वाव। सो अब हम इसको टेस्ट करेंगे पावर मोड में। पावर मोड में क्या पावर देती है, ये हो गया पावर मोड। पावर मोड आ गया और कमाल है यार पावर मोड में, वाव यार वाव, अच्छी खासी पावर बढ़ गई यार। आई कैन फील द पावर, द चेंज इको मोड प्लस पावर मोड का चेंज यहाँ पे बिल्कुल आपको फील हो पाएगा। वाव, फन टू राइड, फन टू राइड है, फन टू राइड, हल्की सी है, फन टू राइड है, पावर मोड में तो बढ़िया भग रही है यार, अच्छा पावर है इसका। खैर हॉर्न की बात करें तो नाइस हॉर्न, नॉट प्रीटी लाउड, नॉट प्रीटी लो, ठीक है, अच्छा है। आप वीडियो पे बने रहिए, इसके प्राइस के बारे में हम लोग बात करेंगे कितनी प्राइस है इसकी। मैं यहाँ से यू टर्न ले लेता हूँ। कूल, नाइस फीलिंग है, अच्छी फीलिंग आ रही है। मिरर्स की बात करें तो ठीक है, विजिबिलिटी अच्छी है। अगर आप सिटी में बाइक चलाते हैं, अगर ऐसे तंज जगह से निकलते हैं, मतलब मैं अभी जिस जगह पे हूँ वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो यहाँ से भी आप इजीली इस बाइक को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस हाँ, एक चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि ब्रेक पर हाथ नहीं रखना है, वरना सेंसर पकड़ लेंगे और इसका जो पिकअप है वो कटआउट हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अब ये मैंने रख दिया है ब्रेक पे हाथ, तो अब देखिए मैं एस्केलेटर दे रहा हूँ लेकिन पिकअप नहीं पकड़ रही है बाइक, और मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या ख़राब तो नहीं हो गया। नहीं, जैसे ही हाथ हटाया बाइक फिर से अपने मोड में आ गई। सो यार नाइस है यार, बढ़िया है, छोटी सी बाइक है, अच्छी बाइक है। देखिए एक और ग्रीन बाइक, सो हाँ अभी ज़माना है ग्रीन का, तो गो ग्रीन। अच्छी फीलिंग है इस बाइक के साथ। इसमें और तीन मोड के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, तीन मोड। जैसे मैंने हमने दो मोड देख लिए, एक इको मोड, एक पावर मोड, तीसरा मोड है क्रूज मोड। जी हाँ, जिसमें आप एक पर्टिकुलर स्पीड पे इस बाइक को क्रूज कर पाओगे, तो उस मोड में भी हम डाल के देखेंगे और देखेंगे क्या कुछ राइड एक्सपीरियंस होता है इसका। सो क्रूज मोड के लिए जो येलो बटन है इसको आपको 3 सेकंड तक प्रेस करते रहना है और ये 37 की स्पीड पर क्रूज चले गया, देख रहे हो। खैर ब्रेक दबाया तो क्रूज मोड ऑफ हो गया। अच्छे से क्रूज मोड मैं टेस्ट नहीं कर पाया लेकिन हाँ, क्रूज मोड अच्छा है। अब दो मोड रह गए हैं, एक मोड है रिवर्स मोड, एक मोड है ड्रैग मोड। अब ड्रैग मोड क्या चीज़ है उसके बारे में ज़रा जानकारी मैं आपको देता हूँ, थोड़ा साइड में कर लेता हूँ। ये हो गई हमारी बाउंस इन्फिनिटी साइड में, ओके। सो ड्रैग मोड के बारे में बता दूँ, ड्रैग मोड उसके लिए होता है जब आपकी गाड़ी पंक्चर हो जाए और आपको ठेलते लेके जाना है, ढकेलते लेके जाना है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो ड्रैग मोड आपको सपोर्ट करता है ताकि आप ये ड्रैग मोड में डालें और ये नीचे करना है, ठीक है। अब ये पार्किंग लाइट हमारे ऑन हो गए हैं। अब जब ड्रैग मोड में ये गाड़ी जाएगी तो ये 3 किलोमीटर पर आर के हिसाब से ही चलेगी, आपको धकेलने की ज़रूरत नहीं होगी। ये देखिए
मैं फुल एस्केलेटर दे रहा हूँ लेकिन गाड़ी 3 से 4 किलोमीटर पर आर के ऊपर नहीं जा रही है, पार्किंग लाइट ऑन हो चुका है। तो ये एक फीचर मुझे अच्छा फीचर लगा, आपको धकेलना नहीं पड़ेगा, बस आपको थोड़ा सा एस्केलेटर देना है, गाड़ी अपने आप आगे चलेगी। ये था इसका ड्रैग मोड। अब आते हैं रिवर्स मोड पे, रिवर्स एंड ड्रैग मोड पे ला लिया, ये पावर या इको मोड में डाल दिया और रिवर्स बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस किया, तो ये हो गए रिवर्स मोड पे। अब जब मैं एस्केलेटर दूंगा तो बाइक जाएगी पीछे, ये देखो रिवर्स मोड में बाइक पीछे जा रही है। खैर अच्छा मोड है, अब फिर से इसको नॉर्मल मोड पे डालते हैं, रिवर्स मोड कैंसिल करते हैं, इको मोड में अपनी बाइक चलाते हैं। लेट्स गो। इजीली कट हो जाता है, इजीली हैंडलिंग भी इजी है, सस्पेंशन भी थोड़े से टफ हैं, स्टिफ हैं। वैसे इस पे हम लोग ऑफ रोडिंग तो नहीं करेंगे लेकिन हाँ थोड़े से खराब रास्तों पे, खराब ट्रैक पे अगर जाते हैं तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। Alright, so this is ride review and walk around of Bounce Infinity. So अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप गुरुदर्शन मोटर्स आ सकते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं। इसका पूरा एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख लूँगा। और अब आते हैं प्राइस के ऊपर कि इसकी प्राइस कितनी है। 90,825 इसकी प्राइस है, तो 90,825 में आप एक बहुत ही अच्छी इलेक्ट्रिक स्कूटर आप ले सकते हैं। इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, कुछ कुछ फीचर्स मुझे बहुत अच्छे लगे, सेफ्टी फीचर जैसे कि आप ब्रेक पर हाथ रखते हैं तो इसका जो पिकअप है वो कट हो जाता है, तो बहुत ही मेरे मायने में बहुत ही अच्छा ये फीचर है, ताकि काफ़ी सारे एक्सीडेंट ऐसे इसीलिए होते हैं स्कूटर पे कि उसका पिकअप कट नहीं होता है, एक्सीलेटर बढ़ जाता है और फिर तो ये सब नहीं होगा। सो आप आओ और इन्फिनिटी बाउंस इन्फिनिटी को ज़रूर ट्राई करो। बाकी मिलते हैं अगले राइड रिव्यू या फिर वॉक अराउंड में, तब तक लाइफ में कुछ भी हो जाए दिल पे हाथ रखने का कहने का सब सही है ब्रो। अदियोस अमिगोस बूम।